ये हाँ मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले ही ट्राई करे गए थे, तो इसमें गई तो गोरी ब्रेड थी और निकली एकदम भुजंग ब्रेड थी। ये इनका 31st बन रहा है। थोड़ा सा इंतजाम हो गया रात का भी सेलिब्रेशन का। तुम्हें तो खा लिया ना? नहीं, मेरे को फिर भूख लग गई। फिर लग गई। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थोड़े समय बाद हम लोग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। थोड़े 3 महीने बाद आ रहे हैं हम। महीना मुझे याद नहीं है, बट हाँ थोड़ा टाइम बाद कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है, एक व्लॉग डल चुका है कल, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिए। और आज है न्यू ईयर ईव, राइट? 31st, या ईव शाम को बोलते हैं ना? हाँ, मतलब 31st को न्यू ईयर ईव ही बोलते हैं। हाँ, मतलब 31st का दिन है आज, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत सारे प्लान अप्स हैं आज के, आज बहुत कुछ करना है। हम लोग आगरा में फैमिली के साथ है, और फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बहुत सारे प्लान्स हैं। तो अभी हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और करिए एंजॉय। क्या बता रही थी तुम नाश्ते में? मैं ऐसे कह रही हूँ कि नाश्ते में ये नाश्ते में ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस देती हूँ, और ऑप्शन में दिया केवल एक ब्रेड टोस्ट। हाँ, तो वो बहुत टेस्टी है। अभी मम्मी और मैंने भी किया है। हाँ, देखो तो ये मम्मी पीछे से याद दिला दी तुम्हें कि ऑप्शन नाश्ते में क्या क्या है। तुमने ऑप्शन बोल के केवल एक दिया, नया टोस्टर निकाला नहीं से, और उसका बस वो बटन लगा, टोस्टर पे टोस्ट कर देते। मेंदू वड़ा खाना है मुझे। मेंदू वड़ा मैं ऑर्डर कर सकती हूं? ऑर्डर नहीं, बनाओ। घर पे कौन बनाएगा? मैंने कभी मेरे को बनाना नहीं आया, खाना आया है वो बस। अच्छा चलो बना दो फिर, जो भी है देखते क्या बनता है। तुम्हारा जो दिल करे वो बना दो, मैं देखता हूँ फिर एंड में क्या होगा। इतने सारे ऑप्शंस में से वो कल की तरह हो जाएगा, ये बना दिया, वो बना दिया। बदनाम करना चालू करती हो, ऐसे करती हो झूठी झूठी बातों पे। झूठी बात है। हाँ मम्मी, मैं रस्सी डाल दूंगी ब्रेड में। रस्सी डाल दूंगी ब्रेड में, नायलॉन की रस्सी। मेरे जाते जाते वापस से कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, क्या बोल रही थी वापस? कह रही हूँ आज नहाओ ना नहाओ, कल जरूर नहा लेना। ऐसा क्या है? अरे क्योंकि बोल कल, हाँ कल नहाए तो भाई जाड़ा हो रहा है। 5 डिग्री टेम्परेचर समझ रही हो? 5 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, और आगरा में आने वाले 2-3 दिन में मिनिमम पता जाएगा 4 डिग्री। हड्डियों को संभाल के रखना, अपनी पकड़ जाएंगे वरना। तुम बताओ क्या कह रही हो? नहाने का कल जरूर नहा लेना, अगर कल नहा लोगे ना साफ सुथरे रहोगे तो पूरे साल एटलीस्ट नहाते रहोगे। अरे क्या फंडा है, वाह। यही फंडा होता है, मम्मी से पूछो। अच्छा, तो खुद नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना नहाते रहेंगे अगले साल, अगर अभी कल नहा लिया। नहीं मतलब जोश बना रहेगा, जोश बना रहेगा कि नहाना है, साफ सुथरा रहना है। कल नहीं नहाया अगर पहली तारीख को, नए साल की वो ऐसे बोलते हैं, पहली तारीख को जो करते ना वो आप पूरे साल करते रहते हो। अगर आप पहली तारीख को आलस कर गए, आलसी पड़े रह गए, तो पूरे साल आलसी पड़े रहोगे। अच्छा, यस, इसलिए बोलते कल तो छुट्टी है, तो पूरे साल छुट्टी होनी चाहिए। कल अगर हम घूमते तो पूरे साल घूमते रहना चाहिए। कल मैं अगर अपने वॉलेट में नोट रखता हूँ तो पूरे साल नोट ही रखता रहूंगा, फिर तो ये भी करना चाहिए। फिर कल आप मेरा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। हाँ, तो पूरे साल। वाह, बहुत शातिर हो तुम, बहुत ही शातिर हो। ऑफिस वालों को बोलो करने को, जो अभी तक नहीं करे सैलरी ट्रांसफर, वो उन्हें वो भी तुम्हारे उस पे चलने लग रहा है। उन्हें लग रहा है पहली तारीख को कर दिया तो हर पूरे साल करते रहना पड़ेगा, इसलिए ऑफिस वालों का मत बोलो। मेरे ऑफिस वाले जैसे वाले ऑफिस वाले सबको दे। अच्छा, तो कुछ हो गया डिसाइड कि क्या बन रहा है भाई? हाँ। ये मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले ही ट्राई करे गए थे, तो इसमें गई तो गोरी ब्रेड थी और निकली एकदम भुजंग ब्रेड थी। तो वो हमको उसको, ये पुराना वाला है तो हमको, मेरे को इसको चलाना नहीं आता है। कब आएगा चलाना? अब तो इसको 1 हफ्ता हो गया है? हम कभी चलाए नहीं जिंदगी में, यही आके सीखे तो। मुझे डर, चाय तो चढ़ा दे। चाय चढ़ाई नहीं है क्या? खाली कच्ची ब्रेड ही चढ़ूंगा मैं। चढ़ा रहे चाय, चढ़ा रहे। और ये कैसे इनसे आज हम सुबह से के लाइक, चलो ठीक है आ जाओ कल इनसे अच्छे से प्यार से बात करते तो हम पूरे साल करेंगे, वो तो इम्पॉसिबल है। वो तो तुम कैसे भी कर लो साल के पहले दिन, पूरे साल तो पॉसिबल ही नहीं है। वो महीना पॉसिबल नहीं है, वो हफ्ता पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? नहीं सब होगा। अच्छा। मम्मी भी साथ है उधर। और क्या, मम्मी साथ रहती है हमारे, मम्मी को भी पता है चीजें। मम्मी कह रही है दोनों मियां बीवी झूठे कसम वादे कर रहे हैं, ऐसे रह नहीं सकते ना? हम रह लेंगे अगर आप रह लोगे अच्छे से तो। बस वही ना, ताली एक हाथ से तो बसती नहीं है। मुबारक हो, आप व्लॉग पे है, पार्टी सुला सुला चुप रह, आपके लिए सुला लाया जाएगा। ये हो गई कड़क। हाँ, ये एक्चुअली ब्राउन ब्रेड है ना, इसलिए दिख नहीं रही है, बट इट्स नाइस। वो तो खा के पता चलेगा। नहीं बहुत अच्छी, मैं सोचू मैं भी खा लेती हूँ एक और। ठीक है, तो चाय चढ़ा दीजिए प्लीज, चाय के साथ दीजिए। हाँ तो 2:30 कर लो और चढ़ा देते, चाय चढ़ा दी है। ओके, अब जल्दी लाओ पेट में, यार भूख लग रही है बहुत, चूहे कूद रहे हैं। चलते हैं और फिर हमको बाजार भी जाके आना है।
अब शॉपिंग आखिरी दिन कर लो, पहले दिन मत करना साल के, ठीक है? अरे वाह क्या बात बताई, कसम से बोलूं यार आपने, बहुत पहले साल नहीं करना, मैंने ये बात बताई है, मैं नहीं ले जाऊंगा। नो, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है पहले साल, वरना जीवन भर टाइम वेस्ट, पूरे साल टाइम वेस्ट होगा। कल शॉपिंग करने चलते हैं, तुम जाना अकेली, और ताजमहल घूमने चलते हैं सुबह सुबह कल। तुम जाओ। नहीं, क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, ताजमहल इतना सुंदर हो रहा है, कोहरे में हो रहा। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रही है भूख, एनर्जी नहीं हो रही, मैं ऐसे नहीं हो पा रहा रिकॉर्ड। ये इनका 31st बन रहा है, अभी उठे कि मैंने बोला मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ आज, तो बोलते कि चलो ठीक है आज मैं भी कुछ अच्छा करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। मैंने बोला मेरे को सीरियसली फीलिंग आई कि कुछ अच्छा पहनेंगे या कुछ, मतलब यू नो अच्छे से नहा धो के तैयार होके रहेंगे, बट नहीं, आके पड़ गए। ये भी तो इंजॉय है, ये वो इंजॉयमेंट नहीं है प्लीज। हाँ ये बोरियतपन है, सर्दी में एकदम मोटे मखमली, ये आलसीपन है, ये आलसीपन, सर्दी में मोटे मखमली कंबल में सोने का आनंद अलग ही है। अभी उठ जाओ, उनको थोड़ी देर में बस बाजार निकलना है, उठ जाओ। बस चलो मैं रेडी होती हूँ। तो हम बाजार आए थे कुछ अपने काम से, एंड थोड़ा शाम का इंतजाम भी करने के लिए, एंड अब हो गई है बहुत देर, ऑलमोस्ट 4:30 हो गए, 4:30 हो गए। हमारा प्लान था कि धूप में बैठ के कड़ी चावल खाएंगे गर्मा गर्म, लेकिन धूप अब जा चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर रह गई है। हाँ मतलब खा सकते हैं स्टिल अभी भी, बट मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, मैं समोसा खा के ही, मेरे इच्छा भी थी पैटीज खाने की, बट सोचा चलो ठीक है जाने दो, घर जल्दी चलते हैं। एंड ओ माय गॉड अंकल जी देखे तो सही, कड़ी चावल खाए जाए जल्दी चल के, भयंकर भूख लग रही है। और थोड़ा सा इंतजाम हो गया रात का भी सेलिब्रेशन का, हाँ वो भी तैयारी भी करनी है सब जाके। यस चलो, और फाइनली हम खा रहे हैं कड़ी चावल। ये कौन से चावल है, तुम क्या कड़ी चावल नहीं खा रही हो? मैं खा रही हूँ, पहले मैं रोटी खा रही हूँ दो, और रोटी, और ये है बाजरे की रोटी, बाजरे का सिट्टा होता है, बाजरे का सिट्टा आधा। तो फाइनली कड़ी चावल खा पा रहे हैं, बट धूप जा चुकी है तो धूप के बिना खा रहे हैं अंदर बैठ के। और ऐसा नहीं है, बाहर गर्मी है स्टिल, अंदर से तो गर्मी है, 5 बजे कोई धूप नहीं है। और ये जो आप सामने देख रहे हो जाली के नीचे, ये भी शाम की प्रिपरेशन का एक पार्ट है, तो ये भी एक बढ़िया चीज होने वाली है। तो अब जल्दी से मिलता है आपको शाम के उस पार। तो ये है इंतजाम जो किया था आज दिन में, और ये हो रहा है यहाँ पे इंतजाम हमारे न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन का। बदले भगो, ये देखो पूरी पलटन आ गई है। अच्छा अभी रुको भगो, चलो भगो, पूरी पलटन आ चुकी, भगो सब। ओह वाओ, ये कितना अच्छा सेटअप कर दिया आपने। यस, ये इटे ले यार, पार्टी भी आ गई है बाकी। अरे यार उनको भी समझ में आ गया कुछ तो यहाँ हो रहा है। तुम पार्टी नहीं चाहिए हमको, तुम्हारे बच्चे का उनको बुलाओ, हमें वो चाहिए। बस ये इस पे लग दिया। नाइस। ये क्या पहले इस पर रस, ये तो ऐसे भस्म हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैं चेयर लगा लूँ थोड़ा बैठने के लिए। उसको जलाएंगे आधे घंटे में, पहले और नहीं तो क्या, देखो बताते क्या खा रहे है, बताया ये आलू टिक्की। अच्छा तो आज खाती हूँ स्पेशल, ये बनाएगा आज की स्पेशल चीज, आगरा की फेमस आलू टिक्की, घर की। लेकिन घर बताओ तो क्या है ये, दही? दही 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 बोलती है तो मैं मम्मी नहीं, अपन जयपुर वाले और वो बांधो बा को भा। हाँ ये कितना, मैं तो ये नहीं बोल, ये दही हो गया आप दही। हाँ और ये मीठी सौंठ, सौंठ ओ माय गॉड, सॉन्ट ऊपर बिंदु लगाना भूल गई मैं, सॉन्ट। ओके दही वड़ा बना लिया तुमने, तो दही 6 घंटे तक क्या तुमने दही पूरा ही ना। हाँ सही कर रही है, तो दही वड़ा सा लग रहा है लोगों भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दही हो गया रिक्शा, थोड़ा सा मजे मजे में नहीं तो थोड़ा तो गीला होना चाहिए वो, एक्चुअली वो नीचे बह गया। ओके ओके ठीक है, अगला डालो, तो मैं बनी नहीं पा रही है चट रही है पूरी इतनी देर में, टक्की आधा घंटा तो हो गया खड़े खड़े फोन पकड़े में। हरी चटनी, हरी चटनी ऊपर से मसाला, मसाला अरे ये भी वो सर वही हो गया, थोड़ा ही डालना बेटा उसमें भी होगा, सॉल्ट वॉल्ट में भी, ये थोड़ा ही डाल देती हूँ, खा लेने दो उनको। बहुत टेस्टी, मम्मी कसम से बहुत टेस्टी है। अभी अंदर गया भी नहीं है, पहली टेस्टी गया
गया है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मुझे खा के तो मुंह में ही भूल गई थी। ये तो मेरे मुंह में रखते से ये भी घुल गया। अच्छा घुल गया। टेस्टी है कसम से। एक तो नहीं, अब मेरे को लगता है मैं और सारे खा लूंगी। एंजॉय करो तुम। भाभी आ जाओ, गाने गाते हैं, दिल के अरमान आंसू बह गए। आ जाओ, आग लग रही है। तो फाइनली सब लोग उठ के चले गए, ठंड से थक भी गए सब, पर हम लोग नहीं थके अभी। और ये हम लोग को सेकंड दीक्षा का तो सेकंड राउंड टिक्की का सिर्फ स्टार्टर था। मुझे पता था इतने देर में तो भूख लग जाएगी। अभी ये हालात बची है थोड़ी सी, और ये मेरी टिक्की आ चुकी है, और ये बदली भी आ चुकी है। बदली क्या हो गया, तुमको भी आना है सेकने? जाओ, भागी गुस्सा हो गई। तभी हम लोग का सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 12 बजने वाले हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी न्यू ईयर। जरूर उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहिए, खुश रहिए, बढ़िया बिंदास जिए। और इस व्लॉग को फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, खाना खाते हुए। आई होप आप लोग का न्यू ईयर भी बहुत अच्छा रहा हो, आप लोग ने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। और मुँह से धुआं आने लगा, देखो ठंडा हो गया बाहर, मस्त माहौल हो रहा है इस टाइम पे, ठंडा हो गया है और एकदम अलाव चल रही है यहाँ पे, कोहरा हो गया। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।